हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण कैसे किया गया और उसका काल विभाजन किस प्रकार से किया गया। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका नामकरण एवं काल विभाजन, ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे कि जो नए वीडियोस आए वो आप तक उनका नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए। ठीक है ना, तो चलिए अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे, हिंदी साहित्य इतिहास है उसका नामकरण एवं काल विभाजन पे। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखो जैसे हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा का अध्ययन किया था, तो उसमें हमने जब परंपरा की शुरुआत कहाँ से की और लास्ट तक कैसे चली, ये सारे जो विद्वान हैं उनका अध्ययन किया और उसी के आधार पर अब हम कालखंड का विवरण देखेंगे कि भाई किसने क्या क्या कहा। तो देखो, सबसे पहले जो पद्धति आई थी वो वर्णानुक्रमी पद्धति थी। कौन सी थी? वर्णानुक्रमी। और उस वर्णानुक्रमी जो पद्धति है उसमें सबसे पहले जो इतिहासकार रहे वो कौन थे? गारसादय तासी। आपने देखा था उस समय सबसे पहले जो विद्वान है वो कौन है? गारसादय तासी। और इन्होंने रचना लिखी थी इस्तवारदे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये देखा था हमने। तो भाई वर्णानुक्रमी पद्धति पर थी ये, तो इन्होंने तो काल विभाजन का कोई प्रयास ही नहीं किया। क्लियर है ये बात? ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला है गारसादय तासी, तो देखो इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये वर्णानुक्रमी पद्धति पर आधारित रचनाएं थी। ओके, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे इनके साथी आए कौन भाई? शिव सिंह सेंगर, जिनकी रचना थी शिव सिंह सरोज, ये भी वर्णानुक्रमी पद्धति पर ही आधारित थी। तो इन्होंने जोर दिया किस पे? वर्णानुक्रम पे। तो काल विभाजन का इन्होंने भी कोई प्रयास नहीं किया। तो देखो, शिव सिंह सेंगर है, इन्होंने भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। तो देखो, दो विद्वान जो शुरू करने वाले थे परंपरा को, उसमें गारसादय तासी और दूसरा नाम आया शिव सिंह सेंगर, इन्होंने काल विभाजन का नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित थी। ओके, तो इस तरह से दो हो गए। तीसरा जो नंबर आता है, तीसरा नंबर आता है भाई जॉर्ज ग्रियर्सन का। किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो आपको पता है कि वर्णानुक्रमी पद्धति के बाद में जो दूसरी पद्धति आती है वो आती है कालानुक्रमी। तो देखो, रटने की कोई बात नहीं है, केवल नाम से ही समझ जाओ कालानुक्रमी जो पद्धति है वो कहां से? भाई जॉर्ज ग्रियर्सन से। ठीक है ना। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल का जो विभाजन है वो करने का पहली बार प्रयास किया। ऐसे हम पहले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे कि सबसे पहली बार इतिहास लेखन का जो काल विभाजन का जो प्रयास है वो किसने किया? तो सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ओके, तो देखिए एक बार पढ़ते हैं, इनकी रचना है वो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनकी रचना है। और उस रचना में क्या हुआ कि इन्होंने 11 भागों में, देखो ध्यान दें, उसके अध्याय बनाए कितने भाई? 11। तो कालखंड, प्रत्येक जो अध्याय है ना वो एक कालखंड को दर्शाता है। तो इस तरह से देखो, पहली बार देखो काल विभाजन का प्रयास किसने किया भाई? तो वो किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रचना का नाम क्या है? तो रचना का नाम क्या है इनका भाई, जो देखिए द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनकी रचना का नाम है। ठीक है ना। कितने भागों में बांटा? 11 भाग बनाए उसके, और प्रत्येक जो अध्याय है, प्रत्येक भाग है वो एक कालखंड को दर्शाता है। ठीक है ना। तो ये इनकी कहानी है, लेकिन फिर भी इसकी आलोचना की गई। तो पहले एक बार अपन इस कथन को पढ़ेंगे, फिर आलोचना देखेंगे क्यों की गई। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन पहली बार काल विभाजन का प्रयास करते हुए, पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया है भाई इन्होंने, ये प्रश्न है ध्यान रखें।
अपनी पुस्तक, और पुस्तक का नाम क्या है भाई, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको कितने भागों में, 11 अध्यायों में, देखो वही बात है, कितने अध्यायों में, 11 अध्यायों में इसको विभक्त किया, और इसका प्रत्येक अध्याय है वो एक कालखंड को व्यक्त करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन अब देखो भाई, विद्वानों ने इसकी आलोचना क्यों की, क्योंकि आप खुद जानते हो कि भाई कालखंड जो आप पढ़ रहे हो, तो आदि काल आएगा, है ना, भक्ति काल आएगा, रीति काल आएगा, आधुनिक काल आएगा, तो काल तो ये है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि 11 कालखंड बना दिए, तो 11 कालखंड तो बहुत लंबा चौड़े कहानी हो गई, तो कालखंडों को इतने लंबे चौड़े भागों में बांटने की तो इतने कालखंड की आवश्यकता नहीं थी। तो इसी वजह से विद्वानों ने क्या की आलोचना कि भाई इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, कालखंड जो इन्होंने बनाए हैं उसमें वैज्ञानिकता नहीं है बिल्कुल भी, और दूसरी बात बहुत लंबा चौड़ा काम बना दिया है इन्होंने, और इसी आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। तो देखिए, दो मुख्य आलोचना के कारण क्या है वो देखिए, काल विभाजन में क्या नहीं है भाई, वैज्ञानिकता नहीं है, यानी कि वैज्ञानिकता का क्या है, अभाव है। ओके, सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, अध्यायों की संख्या कितनी अधिक है, अध्यायों की संख्या अधिक और वो कितनी, 11 है, अधिक होने से उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है, यही इसके आलोचना का आधार है। तो देखो भाई, पहला जो प्रयास किया वो अपन ने देखा है, इसमें तीन विद्वान हो चुके हैं परंपरा के हिसाब से लगाए, सबसे पहला गारसा दत्तासी जिन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, दूसरा शिव सिंह सेंगर जिन्होंने भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, तीसरे आए जॉर्ज ग्रियर्सन जिन्होंने पहली बार प्रयास किया काल विभाजन का, और उनकी रचना का नाम वो ध्यान रखना है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनकी रचना है, कितने भागों में, 11 अध्यायों में, और प्रत्येक अध्याय है जो एक कालखंड को दर्शाता है। ओके, और आलोचना क्यों की जाती है, क्योंकि कालखंड का जो विभाजन किया है उसमें वैज्ञानिकता नहीं है, वैज्ञानिकता का अभाव है, और दूसरी बात बहुत लंबी चौड़ी कहानी बना दी है, इसलिए प्रत्येक को कालखंड मानना उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये तो हो गए अपने जॉर्ज ग्रियर्सन के, जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद में जो नंबर आता है वो किसका आता है भाई परंपरा में, जैसे हमने पढ़ा था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद नंबर आएगा मिश्र बंधुओं का। तो देखिए, मिश्र बंधुओं ने किस प्रकार से काल विभाजन किया है, ध्यान दीजिए। तो देखिए, मिश्र बंधु हैं, तो मिश्र बंधुओं की रचना थी मिश्र बंधु विनोद, ठीक है ना, मिश्र बंधु विनोद इन्होंने रचना, लेकिन इसमें जो काल विभाजन किया इन्होंने वो किस आधार पर किया वो देखिए। सबसे पहले बात तो ये है कि भाई इन्होंने देखो जो काल है ना उनको कितने पांच भागों में बांटा है, कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहला आरंभिक काल, ठीक है ना, शुरुआती काल को क्या नाम दिया इन्होंने, आरंभिक काल, लेकिन देखो आरंभिक काल है उसके भी दो दो भाग बना दिए इन्होंने, तो दो दो भाग कौन कौन से, एक पूर्व और एक उत्तर, पूर्व यानी पहले का और उत्तर यानी बाद का। तो देखो आरंभिक काल है, इसके दो भाग बना दिए, पूर्व आरंभिक काल और दूसरा कौन सा, उत्तर आरंभिक काल। तो मिश्र बंधुओं ने देखो क्या है कि जो शुरुआत है ना वो 700 विक्रमी संवत से मान ली भाई, ये चीज ध्यान रखना, कब से मान ली, 700 विक्रमी संवत से मानी। तो देखो 700 विक्रमी संवत से और 1343 विक्रमी संवत तक ये कौन सा, प्रारंभिक, ठीक है ना, और फिर उत्तर में आए तो उत्तर प्रारंभिक में देखो 1343 से आगे, देखो इसमें जस्ट नेक्स्ट ईयर काउंट करेंगे, ओके, यहां 43 है तो नेक्स्ट कौन सा, 44, तो देखो 1344 से 1444 ये माना इन्होंने प्रारंभिक काल। तो देखो एक बार फिर रिपीट करते हैं, मिश्र बंधुओं ने पहला जो कालखंड है वो रखा कौन सा, आरंभिक काल, कौन सा भाई, आरंभिक काल, और आरंभिक काल के दो भाग किए, एक पूर्व आरंभिक और एक उत्तर आरंभिक, ठीक है ना, शुरुआत मानी कब से, 700 विक्रमी संवत से, और भाई कब तक, 1343 तक जो है ना वो तो पूर्व आरंभिक काल, और 1343 से आगे यानी कि 1344 से 1444 विक्रमी संवत, ईस्वी नहीं है, विक्रमी संवत है ये ध्यान रखें, तो विक्रमी संवत तक ये माना पहला काल। ओके, दूसरे कालखंड में आगे बढ़िए, तो देखो दूसरा है जो कौन सा है भाई, माध्यमिक काल, कौन सा नाम रखा, माध्यमिक काल, ठीक है ना। अब ये माध्यमिक काल के भी इन्होंने दो भाग किए, एक तो पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक कंफ्यूज हो गया, देखो भाई ध्यान रखने की बात यह है, यहां पूर्व
और यहाँ उत्तर। देखो पहले वाले पूर्व उत्तर है, लेकिन ये जो माध्यमिक है ना, इसमें ये पूर्व उत्तर की जगह एक शब्द ले आए, कौन से? प्रोड। और इसी आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। वो आलोचना में देखेंगे किस आधार पर क्या आलोचना की जाती है। तो देखो भाई यहां पर क्या हो गया, पूर्व माध्यमिक और दूसरा कौन सा, प्रौढ़ माध्यमिक काल। आगे बढ़ेंगे, देखो यहां तक 1444 विक्रमी संवत तक आ गया था, उससे नेक्स्ट ईयर काउंट करते हैं तो भाई 1445 हो गया, और देखो 1445 से 1560 विक्रमी संवत तक, ठीक है ना। तो 1560 विक्रमी संवत तक तो पूर्व माध्यमिक काल आ जाता है, तो प्रौढ़ माध्यमिक इससे आगे जस्ट काउंट करेंगे तो 1561 से और 1680 विक्रमी संवत तक ये माना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से 1680 विक्रमी संवत तक ये हो गया भाई। इसके बाद आता है अलंकृत काल। देखो नया नाम रख दिया, कौन सा? अलंकृत काल, ठीक है। तो अलंकृत काल है जिसमें भी दो भागों में बांटा, देखो पूर्व अलंकृत और कौन सा, उत्तर अलंकृत। तो देखो भाई इसमें भी पूर्व उत्तर है और इसमें भी पूर्व उत्तर है, याद रखने का। लेकिन जो बीच वाला है इसमें उत्तर की जगह क्या, प्रोड कर दिया है इन्होंने, ओके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखो भाई 1680 से आगे बढ़ जाओ आप, पूर्व हो जाएगा जो 1681 ईस्वी से 1790 विक्रमी संवत तक आ जाएगा, सॉरी विक्रमी संवत रहेगा ये। और उत्तर अलंकार की बात करें तो उत्तर अलंकृत काल जो है वो हो जाएगा 1791 से 1889 विक्रमी संवत तक। तो 1889 विक्रमी संवत तक ये स्थिति बनी रहेगी, ओके। तो इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो कालखंड बनाया वो बनाया परिवर्तन काल। कौन सा? परिवर्तन काल। ये नया ही नाम ले आए, ये आलोचना का आधार बनाइए। देखो परिवर्तन काल है ये कब से रहा भाई, 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक ये रहता है। और फिर देखो वर्तमान काल है जो 1925 से आगे, यानी 1926 विक्रमी संवत से जो आगे का है वो रहता है, कौन सा? वर्तमान काल। तो देखो इसमें जैसे सामान्य तौर पे हम पढ़ते हैं तो देखो सबसे पहले जो आरंभिक काल है उसको आदिकाल के नाम से जानते हैं, फिर बीच में आते हैं माध्यमिक, उसमें भक्ति काल आ गया, उसके बाद में रीति काल आ गया, फिर आधुनिक काल आ गया। तो चार कालखंडी विशेष तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने देखो कितने कर दिए, पांच। बीच में कौन से ले आए, परिवर्तन काल ले आए, ठीक है, आलोचना का आधार बना। और ये देखो पूरे कालखंडों को पूर्व उत्तर पूर्व प्रौढ़ इनके अंदर ही बांटते रहे। तो इस तरीके से इनकी आलोचना भी की जाती है। तो देखिए आलोचना है वो किस आधार पर की जाती है वो और देखिए एक बार। देखो मिस्र बंधुओं की जो आलोचना है उसका आधार क्या है, सबसे पहला पॉइंट, काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं है, यानी कोई भी ऐसा आधार नहीं रहा इनके पास कि किसी सुस्पष्ट तरीके से, अच्छी तरीके से, किसी पद्धति के आधार पर या किसी परंपरा के आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया हो, ठीक है ना। तो इसलिए देखो काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं रहा, एक सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि जो भी इन्होंने नामकरण किया है उसमें एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई, क्योंकि भाई जैसा कि आपने देखा आरंभिक काल को शुरू में पूर्व आरंभिक कर दिया, फिर उत्तर आरंभिक कर दिया, फिर उसके बाद में अपन चलते हैं माध्यमिक में तो पूर्व माध्यमिक, फिर प्रौढ़। तो कहीं पर पूर्व उत्तर कर रखा है, कहीं पूर्व प्रौढ़ कर रखा है। तो इसी आधार पर आलोचना की जाती है कि कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई है इन्होंने। तो ये आधार हो गया दूसरा, ठीक है। तीसरा जो आधार है वो देखो क्या है कि यहाँ पर इन्होंने एक कालखंड का नाम रखा, बताया आपको परिवर्तन काल। तो ये तो कहीं पर भी नहीं है ऐसा। तो कहा गया इसके लिए कि ये जो नामकरण किया है परिवर्तन काल, ये कहाँ से आ गया, ये तो पूरी तरह से कैसा है, असंगत है, ठीक है ना। तो तीसरी आलोचना ये होती है। देखो भाई चौथी आलोचना क्या है, चौथी सबसे बड़ी आलोचना इनकी ये है कि इन्होंने हिंदी साहित्य है ना उसका प्रारंभ मान लिया कब से, 700 विक्रमी संवत। यानी 700 विक्रमी संवत कहूँ तो ईस्वी में हो जाएगा वो लगभग 643, यानी कि 57 ईयर्स डिफरेंस, ओके। तो देखो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से, 700 विक्रमी संवत यानी कि 643 ईस्वी से मानकर हिंदी के अंतर्गत इन्होंने अपभ्रंश, किसके भाई,
अपभ्रंश की रचनाओं को समेट लिया है, तो पूरी तरह से हिंदी की नहीं रह पाई ये, किसकी, अपभ्रंश की रचनाओं को भी इन्होंने अपने काव्य संग्रह में समेट लिया है इतिहास में। ओके, तो इसीलिए देखो रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में एक परिभाषा दी है और उस परिभाषा के आधार पर सारा मामला स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए उस परिभाषा को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, देखो क्या कहा उन्होंने कि सारे रचना काल को, कि पूरा जो रचना काल था इनका उसमें केवल आदि, आदिकाल शुरू वाला ना, आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि शब्दों में आंख मूंद कर बांट देना, कि आंख बंद करके, आंख मूंद करके उनको इन खंडों में बांट दिया है, कोई आधार ही नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे कह रहे हैं देखो यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, ये भी नहीं देखा कि भाई जो नामकरण किया है उस कालखंड में क्या आता है और क्या नहीं, आंख मूंद कर उसको विभाजित कर दिया, ठीक है ना। तो कहा है किसी व्रत संग्रह की, इस तरह का ये तो एक व्रत संग्रह हो गया, तो इस व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो इस तरह से रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इसकी आलोचना की है, ठीक है ना। तो दोस्तों चार विद्वान हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहला आया कौन, गारसादत्त तासी, जिन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। दूसरा जो नाम आता है शिव सिंह सेंगर का, उन्होंने भी कोई प्रयास नहीं किया। तीसरे आया जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने पहली बार प्रयास किया। और चौथा जो नामकरण है किसने किया है, मिस्र बंधुओं ने, उनके आधार पर अभी हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट जो स्टेप है इसके बाद में रामचंद्र शुक्ल जी ने किस प्रकार से, राम कुमार वर्मा जी ने किस प्रकार से बांटा है, ठीक है, और गणपति चंद्र गुप्त जी ने किस प्रकार से बांटा है, तो ये सारी जो बातें हैं ये सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो तब तक वेट कीजिए सेकंड वीडियो के, और भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।